हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एक कंपटीशन के बारे में। किसी कॉमिक्स की अनबॉक्सिंग नहीं करूंगा, यहां हम बात करेंगे एक ऐसे कंपटीशन की जिसमें मिली है ढेर सारी बम्पर प्राइज के तौर पे आपको कॉमिक्स। तो कैसा था ये कंपटीशन, किसने किया था इसको ऑर्गेनाइज और कौन कौन रहे इसके विनर, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले आप सिर्फ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये मेरी गारंटी है ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आने ही आने वाला है। तो दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं, किसने जीता ये कॉम्पिटिशन और क्या था ये कॉम्पिटिशन। दोस्तों, ये कंपटीशन की शुरुआत की थी हमारे देवर्षि जी ने, जो देव कॉमिक स्टोर के नाम से अपना कॉमिक स्टोर चलाते हैं और उसके साथ साथ फेसबुक पे उनका अपना पेज भी है, देव कॉमिक्स स्टोर, कॉमिक्स का स्वर्ग। तो इन्होंने अपने 2000 फॉलोअर्स पूरे होने की खुशी में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, जिसका उन्होंने नाम दिया था फैन आर्ट कॉम्पिटिशन। तो दोस्तों, इस फैन आर्ट कॉम्पिटिशन का ये पहला संस्करण है, यानी कि और संस्करण भी इसके आने वाले हैं। तो इस प्रतियोगिता में जो शर्तें थी वो सिर्फ ये थी कि आपको अपनी कल्पना से उपजा कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी आर्ट आप बना सकते हैं। किसी सुपर हीरो को बनाना होगा और वो पेंसिल से बनाना होगा, कलर्ड आर्ट जो है इसमें एक्सेप्टेड नहीं होंगे, और सुपर हीरो का भी इंडियन सुपर हीरो होना जरूरी है। और आखिरी तिथि थी आज की, यानी कि 24 अप्रैल की डेट, और इसमें चित्रों की गुणवत्ता के आधार पे जिक्र किया जाना था, आपका डिस्कस किया जाना था, डिसाइड किया जाना था कि कौन होगा इस कंपटीशन का विनर। तो दोस्तों, ढेर सारे इसमें पार्टिसिपेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने उत्साह से पार्टिसिपेट भी किया और सभी को उम्मीद थी कि हाँ जीतेंगे तो एक कॉमिक्स मिलेगी और एक दो विनर्स इसमें रहेंगे। बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, जैसा कि आप और हम अभी सोच रहे हैं कुछ कुछ इस तरीके से, मैंने भी सोचा था। और बहुत समय के बाद मैंने भी ड्राइंग ट्राई की और उसके बाद मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो हमारी उम्मीद थी कि एक एक कॉमिक्स तो मिल ही जाएगी अगर जीत जाएंगे तो। लेकिन दोस्तों, सबसे इसका जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि टाइमली कंपटीशन खत्म हुआ, समय पे इसका रिजल्ट आया, और जो रिजल्ट आया वो था भयंकर वाला एक धमाका। धमाका क्यों था, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं इसके विनर्स कौन कौन थे और उनको प्राइजेस क्या क्या मिले। तो ये आपको बताने के लिए काफी है कि देवर्षि ने इस जो प्रतियोगिता को किया है कितना सीरियसली किया है और कॉमिक्स को लेके वो कितने ज्यादा कह सकते हैं क्रेजी फैन है। तो एक एक करके शुरू करते हैं सारे विनर्स के नाम। दोस्तों, इसमें कुछ बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था, तीन इसमें बच्चे थे जिसमें हमारे पास एकांतिक, यशस्वी मकवाने और अथर्व, ये तीन बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब बच्चों की आर्ट को बड़ों की आर्ट के साथ रख के कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हर बच्चे को एक नोटबुक दी जाएगी और उसके साथ साथ एक कैमलिन कलर का सेट होगा और उसके साथ साथ दिया जाएगा किसने झापड़ मारा ध्रुव को का एक एक कॉपी। उसके अलावा सबकुछ सिंह की तरफ से इन सभी बच्चों को दिए जाएंगे कुछ बच्चों के बुक्स, जिसमें चाचा चौधरी इंक्लूड हो सकता है, चंपक इंक्लूडेड हो सकती है, इवन लाल भी हो सकता है। तो वो तो एक रैंडम सिलेक्शन होगा, तीनों बच्चों को ढेर सारी नॉवल्टीज पहुंचेंगी। तो बच्चे तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट मींस बच्चे इस कंपटीशन के विनर तो ऑलरेडी हो ही जाते हैं। इसके बाद आते हैं दो कंपटीशन के विनर। इसमें पांच विनर रखे गए थे, जिसमें से जो पांचवा पुरस्कार था वो दिया गया है संतोष नानवारे जी को, जिसमें उनको मिली है ये शक्ति रूपा की कॉपी। ये शक्ति रूपा की कॉपी उनको दी जाएगी। दोस्तों, चौथे नंबर पे जो चौथा पुरस्कार है वो मिला है फैजान सिद्दीकी को, जिसमें उनको मिलेगा महारावण का ये स्पेशल कलेक्टर एडिशन, जिसका अमाउंट 1500 रुपए पड़ता है। तो 1500 रुपए का ये प्राइस फैजान जी को दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे फेवरेट आर्टिस्ट, जो ध्रुव की बहुत बहुत बेहतरीन आर्ट बनाते हैं, मतलब एक फ्रेशनेस के साथ वाली आर्ट जो बनाते हैं ना, तो इनको आप फॉलो जरूर करिएगा, इनकी आर्ट को मैं सच में बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं। तो इनको मिला है थर्ड प्राइज, और थर्ड प्राइज के तौर पर इनको दिया जाएगा 1999 रुपए की एमआरपी वाला ये डोगा उत्पत्ति का स्पेशल संस्करण, यानी कि ये स्पेशल कलेक्टर एडिशन जिसको संजय गुप्ता जी लेकर आए थे। इसके बाद आता है दोस्तों सेकंड प्राइज मिला है आपके अपने सबकुछ सिंह को, जिन्होंने बनाई थी ये आर्ट, और इस आर्ट के लिए उनको सबकुछ सिंह को यानी कि मुझको सेकंड प्राइज मिला है। और सेकंड प्राइज में दी जाएगी मुझको ये संपूर्ण बालचरित, तो संपूर्ण बालचरित मुझको मिलेगी। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एक मेरे पास है, एक और मेरे पास होगी, यहाँ पे आप उसको रखा देखेंगे। तो कलेक्शन में कलेक्टर को एक कलेक्टर एडिशन मिल जाए, इससे ज्यादा बड़ा और क्या हो सकता है। इसके बाद दोस्तों हमारे आते हैं फर्स्ट विनर, यानी कि आप देख रहे हो दोस्तों किस तरीके से कॉमिक्स के कलेक्टर एडिशन बढ़ रहे हैं, एक एक बंदे को 2000 का कलेक्टर एडिशन गिफ्ट में दिया जा रहा है। फर्स्ट नंबर पे जो आ जाता है वो है हमारे दीपक पटेल जी। दीपक पटेल जी की आर्ट आप ये देखिए सामने, और इसके साथ साथ इनका जो प्राइस है दोस्तों वो मिला है उनको ध्रुवोदय का ये ओमनीबस। तो मैं
पहले तो इस बात से खुश हूँ कि दीपक जी को फर्स्ट प्राइज मिला और उसके साथ साथ ये ओमनिबस वो जीत गए हैं। उसके साथ साथ मैं इस बात पर भी खुश हूँ कि ये ओमनिबस दोबारा से वीडियो पे आया है और इस बार एक गुड कॉज के लिए आया है। किसी तरीके की कोई इसके साथ शिकायत वाली बात नहीं है। तो सभी विनर्स को बहुत बहुत बधाइयाँ और जो पाँचों आपने कलेक्टर एडिशन जीते हैं उन सबको बधाइयाँ। और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें दो प्राइजेस और है, यानी कि दो कॉन्सोलेशन प्राइजेस हैं। तो कॉन्सोलेशन प्राइजेस में अक्सर क्या मिलता है, कुछ भी छोटा मोटा मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे दोस्तों दो कॉन्सोलेशन प्राइजेस हैं, एक दिनेश कुमार जी को मिला है, एक भूषण सिंह दयाली जी को मिला है। ये है दिनेश जी की आर्ट और इसके आगे आप अभी देखें तो ये है भूषण जी की आर्ट। तो दिनेश कुमार जी को मिला है ये नेगेटिव का स्पेशल कलेक्टर एडिशन और उसके साथ साथ भूषण जी को मिला है विध्वंस का ये स्पेशल कलेक्टर एडिशन। तो अभी तक मेरी समझ में, मेरी नॉलेज में, मेरी जानकारी में इतना बड़ा कंपटीशन तो नहीं हुआ जो बिना किसी हो हल्ले के हो गया। कोई धमाका नहीं किया गया पहले से, कोई शोर शराबा नहीं मचाया गया, सिंपली एक शांति से कंपटीशन किया गया और उसके बाद उसको बेहतरीन तरीके से ऐसा समापन दिया गया दोस्तों कि जिसमें आपके पास ये ढेर सारे कलेक्टर एडिशंस आ गए हैं, यानी कि यहाँ पे हो गई है सही मायनों में उपहारों की बरसात। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर। इसका संस्करण 2 भी आने वाला है। आपको सिर्फ करना इतना है कि देव कॉमिक स्टोर के पेज को फॉलो करना है, उसको आपको जो ग्रुप है ग्रुप को आपको फॉलो करना है। जैसे ही हमारे पास 4000 प्लस सब्सक्राइबर्स होंगे, 4000 प्लस हमारे पास इसमें फॉलोअर्स आ जाएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि दोबारा से इसका सेकंड संस्करण लेकर आए। अभी तक मैं इसका पार्ट नहीं था, मैं एक पार्टिसिपेंट था, लेकिन अगली बार मैं एज अ पार्टिसिपेंट नहीं, एज अ ऑर्गेनाइजर इसमें जुड़ूंगा और मेरी तरफ से भी आपको मिलेंगे दोस्तों ढेर सारे कॉमिक्स, कुछ मेरे कलेक्शन में से। तो आप सिर्फ फटाफट जाइए और देव कॉमिक के ग्रुप को ज्वाइन करिए। उसके साथ साथ सबकुछ इनको सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बहुत लोगों की जलने वाली है इस वीडियो के बाद, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा लगा, मैंने शेयर किया जैसा मैं पिछले एक साल से करता आ रहा हूँ, जैसा आने वाले अगले 50 सालों तक या उससे ज्यादा जिंदा रहा तो तब तक भी करता रहूंगा। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ऐसे ही और ढेर सारे वीडियोज के लिए, ऐसे ही और ढेर सारे कॉमिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप बने रहिए सबकुछ सिंह पर। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।